मारुति सुजुकी की इग्निस। बहुत से लोगों का कहना है यह कार सड़क पर दिखती नहीं, बिकती नहीं, लगता है फ्लॉप हो गई। आखिर क्या रीजन है, लोग इसे ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्या सच्चाई है, कितनी फ्लॉप है, कितनी हिट है, यह कार की क्या कंडीशन है भारतीय मार्केट में, चलिए फिर आज इसी पर बात करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आज कारगुरु। मारुति सुजुकी इग्निस एक्चुअल में सुजुकी की एक इंटरनेशनल कार है। बाकी सब कारों के मुकाबले यह कार एक्चुअल में ग्लोबल कार है। इसे कई कंट्रीज में बेचा जाता है। वैगनार की तरह नहीं कि इंडिया, पाकिस्तान और जापान में ही बिकती है, बाकी कहीं ऐसा नहीं। छोटी कार है, लोगों को पसंद भी आई है, लेकिन लोगों ने इसे फ्लॉप कार कहना क्यों शुरू किया, आखिर क्या रीजन है उसके पीछे। इसके पीछे एक एनालिसिस है, एक पूरी रिपोर्ट है जो समझनी पड़ेगी आपको। मेरे पास हर कंपनी अपनी हर कार की सेल की डिटेल भेजा करती है कि उसकी कार इस महीने कितनी बिकी, ताकि मैं आपको बता सकूं कि इस मंथ की सबसे टॉप सेलिंग कार्स कौन कौन सी हैं। ये सारी चीजें मैं भी आपके साथ शेयर करता हूं, बाकी अखबार भी शेयर करते हैं और भी कई मैगजीन से लेकर कोई शेयर करता है, सबके पास भेजी जाती है अपनी अपनी कार के बारे में डिटेल्स। इग्निस फ्लॉप या हिट, समझते हैं ध्यान से। पहली चीज, इग्निस सेल कितनी होती है, कब लॉन्च हुई। इग्निस लॉन्च की गई जनवरी 2017 में। जनवरी मंथ की इसकी सेल थी 4830 यूनिट, फरवरी मंथ में इसकी सेल थी 4662 यूनिट, मार्च मंथ में इसकी सेल थी 5209 यूनिट और अप्रैल मंथ में इसकी सेल थी 5030 यूनिट। समझ गए आप, एक एक मंथ की आपको सेल की फिगर दे रहा हूं मैं, ताकि आप बेहतर ढंग से समझ सके। यूनिट और अक्टूबर मंथ की सेल की रिपीट डिटेल भी आ गई है, वह है 3072 यूनिट्स। यानी यह कार अब तक 50,000 कारें बेच चुकी है ऑलमोस्ट, अभी पूरा साल नहीं हुआ है, फिर भी लोग इसे फ्लॉप कार कह रहे हैं, क्यों, समझते हैं। कंपेयर भी करते हैं दूसरी और कंपनीज के साथ कि उनकी सेल की क्या स्टेटस है। जी हाँ, अब आप ध्यान से समझें, इसको लोगों ने फ्लॉप हिट कहना शुरू कर दिया, उससे पहले यह तो आपको कंफर्म हो गया कि यह कार कितनी बिक रही है। हाँ, यह बात सच है कि यह टॉप 10 सेलिंग कार्स में शामिल नहीं हो पा रही है मारुति सुजुकी की कार होने के बावजूद, लेकिन क्या यह फ्लॉप कार है, तो समझते हैं इसके कंपटीटर्स कौन कौन है और उनकी सेल्स फिगर क्या कह रही है। पोलो की सेल मई में हुई थी 1600 यूनिट, यानी कि इग्निस की सेल पोलो की सेल से 2.5 गुनी से लेकर 3 गुनी ज्यादा हुई है, फिर भी फ्लॉप है, कमाल की बात है, कोई पोलो को तो फ्लॉप नहीं कहता। चलिए अब ध्यान देते हैं आमियों के ऊपर। आमियों की यानी कि इग्निस की सेल इस कार से 4 गुनी ज्यादा हुई लगातार हर महीने, फिर भी फ्लॉप, ध्यान से समझिएगा। चलिए अब आते हैं टोयोटा की लीवा के ऊपर, कोई उसे भी फ्लॉप नहीं कहता। 1100 यूनिट सेल हुई मई में और अक्टूबर में 959 यूनिट, यानी कि इग्निस की सेल इससे 5 गुनी ज्यादा हुई, कहीं कहीं तो 6 गुनी भी ज्यादा हुई। समझिए लोगों की खेल को और माइंड को, फिर आपको बताता हूं ऐसा क्यों हो रहा है। केवल एक यही नहीं ऑप्शन, जेस्ट, बोल्ट की तो गिनती ही नहीं है क्योंकि वो तो 1000 भी नहीं बिकती है। माइक्रा 570 यूनिट, 727, 425, यानी उससे 8 गुनी ज्यादा इग्निस बिक रही है। अब कंपेयर कर लेते हैं कुछ और दूसरी कारों से। KV100 मई में 1900 यूनिट, जून में 1400 यूनिट और अक्टूबर में 3600 कार है, क्योंकि नई मॉडल आ गया अक्टूबर में इसलिए। यानी कि इग्निस की सेल इस कंपनी की सेल से लगभग 4 गुनी ज्यादा है, 3.5 गुनी। ड्रियो 378, 243, 396, 640 सबसे ज्यादा बिकी कार है एक महीने में, यानी 1000 भी यूनिट बिकती नहीं है, 8 गुनी ज्यादा बिकती है। सब कारों की सेल पर अगर आप ध्यान से समझें तो आप समझ गए होंगे कि मामला है क्या। मामला क्या है, हम बेसब्रे हैं, हमको मारुति की कारों से उम्मीद होती है लाखों की सेल की, और लाखों की सेल होती है, लेकिन ध्यान से समझे सड़कों पर क्यों नहीं दिखती है। इग्निस कौन चलाता है, इग्निस चलाते हैं एग्जीक्यूटिव्स, जो घर से निकले, ऑफिस गए, ऑफिस में खड़ी कर दी कार और फिर ऑफिस से चले घर आ गए। यह इनोवा नहीं है, यह स्कॉर्पियो नहीं है कि जिसे नेता लोग चलाते हैं, सुबह से लेकर शाम सड़कों पर दौड़ी रही है। तो आपको दिखती है। एक और भी चीज है, उनको सालों पहले लॉन्च किया गया था। स्कॉर्पियो आज से 15 साल पहले लॉन्च की गई थी। 15 साल में
5 लाख कारें बिकी। तो 5 लाख सड़कों पर दौड़ती दिखती है तो आपको लगता है बहुत बिकी, ऐसा नहीं है, इससे कम ही बिकती होगी। यही हाल इनोवा का है। इनोवा की सेल भी इग्निस की सेल से कम है, लेकिन वो आपकी सड़कों पर दिखती है क्योंकि ज़्यादा टूर होती है। तो आप समझें, जब आप कार को टूर होने वाली कारों से कंपेयर करते हैं या आल्टो से कंपेयर करते हैं, वो सालों से बिक रही है, 20 साल पुरानी कार है, सालों से सर्विस सेंटर में दिखती है। आप सर्विस सेंटर जाते हैं ना तो 25 ऑल्टो खड़ी होती है, 12 स्विफ्ट खड़ी होती है, सब कुछ खड़ी दिखती है, लेकिन आपको इग्निस 1 या 2 मिलती है तो आप समझते हैं फ्लॉप हो गई, लोगों ने खरीदी नहीं। एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एक्चुअल वजह यह है कि अभी कार को बेचे जाते हुए सिर्फ 10 महीने हुए, और इंडिया में जब तक कार बुढ़ी नहीं हो जाती है तब तक उसको लोग हिट या फ्लॉप नहीं मानते। यानी जब बुढ़ी हो जाती है तब उसको गिनना शुरू करते हैं, जैसे स्कॉर्पियो, इनोवा, ये सब पुरानी कारें सालों पहले से आ रही हैं, इसलिए गिनते हैं। वैगना सालों से आ रही है, ये एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से लोग इन कारों को गिनते हैं। स्विफ्ट 2006 में पहली बार इंडिया में आई थी, अब तक कितने साल हो गए, 11 साल। एक कार की 11 साल की सेल, और एक कार की अभी 1 साल पूरा नहीं हुआ, आपको कैसे मार्केट दिख जाएगी? इंडिया की मार्केट में जहां करोड़ों कारें हैं, वहां पर 50,000 कारें बिल्कुल वैसे ही है जैसे समुद्र में एक बूंद पानी मिला दिया जाए, इसीलिए आपको सड़क पर दिखती है। तो आप समझ गए होंगे कि इग्निस की सेल्स फिगर कहीं से भी फ्लॉप की कैटेगरी में नहीं है, सुपर हिट भी नहीं है, लेकिन अपनी मजबूती से पकड़ बना के रखी है। ये बात समझिए, आज से 3 साल बाद आपको इग्निस भी दिखेगी सड़कों पर, लेकिन सेल्स फिगर्स ने पूरी पोल खोल के रख दी है कि इग्निस भी एक सक्सेसफुल कार की श्रेणी में मौजूद है। बस आपको भरोसा रखना है कि सड़क पर जो चीज ज्यादा दिख रही है वही हिट नहीं होती है। मेरा यह एनालिस उन लोगों के लिए था जो अक्सर मुझसे सवाल करते हैं कि सर आप ऐसी कार क्यों रिकमेंड करते हो सड़कों में दिखती नहीं है। बात सड़कों पर दिखने की नहीं है, बात अच्छी कार के होने की है। अच्छी कार नई हो सकती है, पुरानी भी कुछ अच्छी होती थी, ऐसा नहीं है कि हर आउटडेटेड कार खराब होती है। कई आउटडेटेड कारें मैं रिकमेंड करता हूं, आपको पता भी है, जो लोग मुझे अच्छे से जानते हैं। लेकिन मैं नॉर्मली नई कारों को ज्यादा प्रेफरेंस करता हूं क्योंकि नई टेक्नोलॉजी से बनी होती है, नई तरह से डिजाइन होती है, नए सेफ्टी फीचर्स उसमें शामिल होते हैं, इसलिए उनको रिकमेंड करता हूं। यह है मेरी बड़ी वजह। बस इतना ही। अगर आपको यह एनालाइज या आप ऐसे ही और भी किसी कार का एनालाइज जानना चाहते हैं या और भी डिटेल जानना चाहते हैं, किसी कार के बारे में कन्फ्यूजन है, उनकी सेल्स फिगर को लेकर कन्फ्यूजन है, या उनको आप हिट मानते हैं जबकि वो एक्चुअल में फ्लॉप है, तो मुझे बताइएगा नीचे कमेंट में, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और यह ट्रू एनालाइज आपको कैसा लगा मुझे लिखिएगा। पहली बार मैंने किसी कार के बारे में इस तरह से इन्फॉर्मेशन जुटा के आपके साथ शेयर की है। आती तो मेरे पास इन्फॉर्मेशन हमेशा रही है, लेकिन उनको एक ही जगह पर लाकर एक एक डेटा को प्रॉपर नोट करके कंपेरिजन करके आपके साथ पहली बार शेयर कर रहा हूं। बताइएगा कैसा लगा, पसंद आया लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया डिसलाइक कीजिए, लेकिन अपनी राय जरूर दीजिएगा। मैं अमित अपने प्रोग्राम में न्यूज रिव्यूज, आपके क्वेश्चन आंसर और नई नई कारों के बारे में आपसे बात किया करता हूं। अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन का बटन ठीक नीचे है, रेड कलर का अभी दबा दो। वीआईपी सब्सक्राइबर सबसे पहले हमारी वीडियो देखने चाहते हैं, लाइक करना चाहते हैं, कमेंट करना चाहते हैं, बगल में दी गई नोटिफिकेशन बेल को भी पुश कर दीजिए। मैं अमित अब आपसे इजाजत चाहता हूं। हमारा वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आज कागुरु। मुलाकात होगी अगले वीडियो में।